हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैंने पहला वीडियो डाला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप लोगों ने उसको बहुत अप्रिसिएट किया, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं 10.2 डिस्कस कर रहा हूँ। 10.1 मैं डिस्कस कर चुका, उसमें कुछ स्टूडेंट की शिकायत थी कि सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, तो ऑफकोर्स मुझे स्लो पढ़ाना होगा, जिससे क्या होगा, एकदम एवरेज स्टूडेंट को भी और उससे एवरेज बिलो स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए, जो एकदम कमजोर है उनको भी समझ में आ जाए। यदि आपको स्पीड में पढ़ना है तो यूट्यूब में वो ऑप्शन रहता है, आप वहाँ से स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। 1.25 पे चलाइएगा, 1.5 पे चलाइएगा, आपको जो पसंद आए वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 10.2 में हम पढ़ेंगे नॉमन क्लेचर। तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉमन क्लेचर होता क्या है। नॉमन क्लेचर का मतलब होता है नामकरण, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का क्या नाम होता है। चूंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, आपको पता होगा इतने सारे कंपाउंड होते हैं, यदि उन कंपाउंड का नाम नहीं दिया गया तो पूरी खिचड़ी सी पक जाएगी। तो हमें प्रत्येक अलग अलग हर कंपाउंड का कोई ना कोई अलग नाम होता है। जैसे मान लो, इसको रिलेट करो रियल लाइफ से, हम सब इंसान हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है, अलग अलग है ना, तो उस नाम से हम उसको पहचानते हैं। अब यहाँ पर दो तरह के नाम हम पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन कॉमन नेम, और दूसरा हम पढ़ेंगे IUPAC नेम। तो बेसिकली इन दोनों में अंतर क्या है, इसको इस तरीके से समझिएगा। कॉमन नेम और IUPAC नेम, जैसे मान लो कोई लड़का है, उसका नाम है एक रियल नेम राजेंद्र, ठीक है, और घर पर उसको हम क्या बुलाते हैं, राजू। क्या बुलाते हैं, राजू। तो राजेंद्र जो हुआ वो स्कूल में चल रहा है, मार्कशीट पे लिखा हुआ है, सब हर जगह मतलब चल रहा है। तो राजेंद्र जो हुआ उसको हम बोलते हैं IUPAC नेम, और जो राजू जो हुआ उसको हम बोलते हैं कॉमन नेम, ठीक है। तो यही अंतर होता है कॉमन नेम और IUPAC नेम में। अब इसको शुरू करने से पहले नोमनक्लेचर के बारे में, हम केवल इस वीडियो में हेलो अल्केन और हेलो अरीन का नोमनक्लेचर देख रहे होंगे। वैसे ऑर्गन केमिस्ट्री में यदि हम पूरा नोमन क्लेचर पढ़ेंगे, IUPAC नोमन क्लेचर, तो वो बहुत बड़ा है, इस पर 10 घंटे की वीडियो बनाई जा सकती है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में केवल हेलो अल्केन और हेलो अलिन का नोमन क्लेचर बता रहा हूँ। तो इससे पहले कुछ मैं बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आपने क्लास 10th में ये पढ़ा होगा कि ये मीत ईत प्रॉप क्या होता है ना। तो मैं एक बार बता देता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम यदि वन है ना, तो उसका जो वर्ड रूट होता है वो क्या होता है, मीथ। जैसे यदि वो अल्केन है ना, एन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन। इसी तरह यदि कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम दो है, यदि दो कार्बन है तब हम उसको क्या बोलते हैं, वर्ड रूट को, ईथ, यानी कि ईथेन। यदि तीन है तो प्रोप, यानी कि प्रोपेन। यदि चार है तो ब्यूट, यानी कि ब्यूटेन। पांच है तो पेंट, यानी कि पेंटेन। छह है तो हेक्स, यानी कि हेक्जेन। सात है तो हेप्ट, यानी कि हेप्टेन। आठ है ऑक्ट, यानी कि ऑक्टेन। नाइन है नॉन, यानी कि नॉनेन। टेन है डेक, यानी कि डेकेन। समझ में आया? अब देखो, इसमें कुछ समझने के लिए तो है ही नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समझ में आया, उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। बेसिकली यदि ये आपको याद नहीं है तो आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, और केमिस्ट्री में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ये कहाँ से आ रहा है। तो ये आपको याद होना चाहिए। यदि ये याद नहीं हो रहा है तो इसको इस तरीके से याद कर लीजिए, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, राइट। यदि यहाँ पे अल्केन है तो उसमें AN आ रहा है लास्ट में, यदि अल्कीन है ये तो लास्ट में क्या आ रहा है, ईन। जैसे मीथेन है तो ये मीथीन हो जाएगा, ईथेन है तो ईथीन हो जाएगा, प्रोपेन है तो प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूटेन है तो ब्यूटीन हो जाएगा। इसी तरह अल्काइन की बात करें तो लास्ट में क्या आएगा, बाई एनी आ जाएगा, आयन आ जाएगा। तो ये ईथेन है तो ये ईथाइन हो जाएगा, प्रोपेन है तो प्रोपाइन हो जाएगा, इसी तरीके से ये चलता जाएगा। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, क्या मीथेन और मिथाइन एग्जिस्ट करते हैं? ये दो कंपाउंड नहीं होते हैं, तो इनको आप क्रॉस कर दीजिए। मैं ये इसलिए लिखा जिससे आपके ये दिमाग में ना आए, क्योंकि आप देखो अल्किन तो ये होता है CH, CH, एक कार्बन होना चाहिए, ठीक है, तो ये अल्किन तो बन गया। अब हम बात करें क्या अल्किन बन सकता है, तो ये जो अल्किन है उसके लिए डबल बॉन्ड चाहिए, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए, दो। तो कम से कम ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ईथेन से। तो मीथेन और मिथाइन ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो अब ये आपको नाम याद होना चाहिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। यदि एक कार्बन है तो उसको मीथेन बोलते हैं, दो कार्बन है तो उसको ईथेन बोलते हैं, तीन कार्बन है तो उसको प्रोपेन बोलते हैं, चार है तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इसी तरीके से चलता जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको ये फटाफट से क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे लिखा CH3, CH3। आप बताइए कि इसका IUPAC नाम क्या होगा,
तो पहले आपने नंबर ऑफ कार्बन देखे, तो कार्बन के नंबर कितने हैं? दो। और ये क्या है, अल्किन है, अल्केन है या अल्काइन है? तो ऑफकोर्स इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये अल्केन है। और अल्केन में जब नंबर ऑफ कार्बन दो होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ईथेन। क्या बोलते हैं? ईथेन। तो ये क्या हो जाएगा, ईथेन। अब हम बात करें नेक्स्ट लेवल की, जैसे मान लो ये है सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, दो। कितने हैं, दो। तो और ये क्या है, अल्किन है, ठीक है, अल्किन। तो ये दो होते, जब अल्किन होता तब हम इसको इथिन बोलते, चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो इसको हम अल्किन बोलेंगे, यानी कि ये हो जाएगा इथिन। समझ में आया, सिंपल है। अब एक एग्जांपल और लू मैं, जैसे मान लो ये है सी एस ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो पहले तो ये देखो ये क्या है, अल्किन अल्काइन या अल्केन, तो ये अल्काइन है। अल्काइन क्यों है, अल्काइन क्या होते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, तो इसमें तीन बॉन्ड है, तो ये क्या है, अल्काइन। तो इसका नाम क्या होगा, इथेन, इथाइन या फिर इथीन, तो इसका नाम होगा इथाइन। क्यों, क्योंकि इथाइन आता है तो हम लास्ट में बाई एनी लगा देते हैं, अल्कीन आता है तो ई एनी लगा देते हैं, और अल्काइन आता है तो बाई एनी। तो पता होना चाहिए, जब डबल बॉन्ड आए तो ई एनी लास्ट में होगा और ट्रिपल बॉन्ड आए तो बाई एनी। तो ये तो इथेन का किस्सा हुआ। अब हम बात करते हैं तीन नंबर की, ठीक है। मैंने दो नंबर लिए, अब मैं तीन लेके चलता हूं। जैसे मैंने लिया CH3, CH2, CH3, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, एक दो तीन, और ये क्या है, अल्किन है। क्या है, अल्किन। तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, ऑफकोर्स जब अल्किन है और तीन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं तो प्रॉप बर्ड रूट होता है, यानी कि होगा प्रोपेन। समझ में आया। अब जैसे मैं बात करूं, इसमें एक डबल बॉन्ड लगा देता हूं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, तो इसमें डबल बॉन्ड आ गया, तब हम इसको क्या बोलेंगे, अल्किन। क्या बोलेंगे, अल्किन। ये अल्किन हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो अब इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन। प्रोपीन, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है, इसमें अब ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, हाँ यहाँ पे एच नहीं आएगा क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड होना चाहिए, मैंने आपको बताया था चार, तो यहाँ पे चार बॉन्ड है, वो हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए। आप इसमें काउंट कीजिएगा, किसी भी स्ट्रक्चर में कार्बन के चार बॉन्ड होंगे, जब कार्बन के चार बॉन्ड होंगे तभी वो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, चार बॉन्ड होना जरूरी है। तो ये क्या, तीन बॉन्ड है, जब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइन। और जब अल्काइन आता है तो लास्ट में क्या आना चाहिए, बाई एनी। तो ये प्रोपेन था, ये प्रोपीन था, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपाइन, ठीक है, बाई एन। समझ में आया। तो ये बहुत सिंपल था। अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये 10th क्लास का था। आई होप कि अब आपने रिवाइज करके इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आईपीएससी नेम की तरफ। उससे पहले हम कुछ कॉमन नेम याद करने के लिए आपको दे रहे हैं, जो आपको याद होना चाहिए। जैसे इसकी बात करूं तो ये क्या है, सी एस थ्री, सी एस एस टू, सी एस थ्री, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तीन कार्बन है, ठीक है। तो इसमें ये तीन कार्बन है और ये अल्केन है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन, जैसा कि हमने ऊपर देखा। तो इस स्ट्रक्चर को यदि हम कॉमन नेम की बात करें तो इसको हम बोलते हैं एन प्रोपेन। और यदि इसको इस तरीके से लिखें, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आप जोड़ सकते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, प्रोपाइल है ये, और इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया Br, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे Cl लगा दिया तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इस तरीके से आईपीएससी का नामकरण होता है। समझ में आया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एन ब्यूटेन क्या होता है, ये देखो सी एस थ्री, सी एस टू, सी एस टू, सी एस थ्री, ये एक अल्केन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने, चार, तो इसका नाम क्या हुआ, ब्यूटेन। क्या नाम हुआ, ब्यूटेन, जो कि आईपीएसी नाम हुआ। यदि कॉमन नेम की बात करें तो क्या होगा, एन ब्यूटेन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन। और यदि हम इस तरीके से यहाँ पर कुछ ऐड करते हैं तो ये एन ब्यूटल हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने बी आर ऐड किया तो इसको क्या बोलेंगे हम, एन ब्यूटल ब्रोमाइड। समझ में आया, बड़ा सिंपल सा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। चार कार्बन है, चार कार्बन है तो ब्यूटेन होता है, और इस तरीके से ऐड करते हैं तो उसको हम अल्केन को अल्काइल बना देते हैं। समझ में आया। तो ब्यूटेन को ब्यूटाइल, प्रोपेन को प्रोपाइल, इथेन को इथाइल, मीथेन को मिथाइल, पेंटेन को पेंटाइल, इस तरीके से बना देते हैं। तो बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ब्यूटेन के केस में हम कुछ और किस्से देखते हैं। यहाँ पे क्या था, ये सब एक ही लाइन में थे। अब मान लो ये जो है, यहाँ से हम ज्वाइंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों बोलते हैं, क्या आप बता सकते हो? सेकेंडरी ब्यूटाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस कार्बन से हम यहाँ पर कुछ जोड़ने जा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बी आर जोड़ा, तो ये जो कार्बन है इसकी डिग्री क्या है,
ये दो कार्बन से अटैच्ड है, आपको पता होगा डिग्री किस तरीके से निकालते हैं, नहीं पता है तो पहला वीडियो देखिएगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस कार्बन की दो डिग्री है ना। डिग्री क्या होती है, ये जितने कार्बन से अटैच होता है उतनी डिग्री होती है। तो एक कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, टू। और जब कार्बन की टू डिग्री होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। जब वन डिग्री होती है तो प्राइमरी कार्बन, टू डिग्री होती है तो सेकेंडरी कार्बन, और थ्री डिग्री होती है तो टर्शियरी कार्बन, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, तो चूंकि ये सेकेंडरी कार्बन से यहाँ पे कुछ ज्वाइंट हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटल। ब्यूटल क्यों बोला, क्योंकि ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन क्यों, चार कार्बन है, एक दो तीन चार, तो ये ब्यूटेन है इसीलिए हमने इसको ब्यूटल बोला। अब मैंने सपोज यहाँ पे बी आर एड कर दिया, अब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटल ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्रोमाइड और लगा दीजिएगा। अब देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों ही सेम है, कोई अंतर नहीं है। मैंने CH3 को ऊपर कर दिया है तो वो कन्फ्यूज नहीं होना, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है। तो आप अगेन देखो ये जो कार्बन है यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक दो, दो कार्बन से अटैच है, यानी कि ये टू डिग्री कार्बन है, और ये क्या है, ब्यूटेन है। क्या है, ब्यूटेन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। समझ आया, दोनों ही सेम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। ठीक है, ब्यूटाइल ही देख रहे हैं तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल देख रहे हैं। अब हम देखते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। तो अगेन जो कार्बन यदि तीन कार्बन से अटैच होगा, इस कार्बन की डिग्री कितनी है, थ्री, थ्री डिग्री कार्बन है ये, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्ट ब्यूटाइल। चूंकि ये चार कार्बन है तो ब्यूटेन आएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, अल्केन है। ठीक है, तो टर्ट ब्यूटाइल। अब इसमें ये तीन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एन हो गया। अब आइसो की बात करें तो आइसो क्या होता है, ये जैसे मान लो एक मैंने ब्यूटेन लिया और यहां पर मैंने CH3 ऐड कर दिया, तो इसकी जो मेन चेन है वो इस ये होगी CH3 CH2, और यहाँ पर CH3 अटैच्ड है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन, है ना। अब यदि हम यहाँ पर कुछ जॉइंट कर रहे हैं, कुछ और ऐड कर रहे हैं, इस तरीके से इसको छोड़ दें, तो इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। अगेन चार कार्बन ही है ना, यदि यहाँ पर BR ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। सिंपल है। अब हम चलते हैं आइसोपेंटाइल की तरफ, पेंटाइल और आइसोपेंटेन देखते हैं। तो आइसोपेंटेन क्या होता है, देखो पेंट इसमें आइसो में एक चीज कॉमन रहेगी, ये लास्ट में आना जरूरी है ना। तो ये आइसो ब्यूटेन है, ये क्या है, आइसो ब्यूटेन, ये कॉमन है। अब यहां पर भी देखो तो ये CH3 CH CH3, ये कॉमन है इधर, है कि नहीं, और ये क्या है, पेंटेन, तो इसको हम बोलेंगे आइसो पेंटेन। यदि यहां पर एक और कार्बन बढ़ा दो तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, सिक्स, और वो अल्केन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो हेक्सेन। चूंकि यहाँ पे पांच है तो आइसो पेंटेन। अब यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड लगा दो, है ना, सपोज मान लो यहाँ पर कुछ जॉइंट होने वाला है इस तरीके से दिख रहा है, और यहाँ पर ये लास्ट में आ ही रहा है और पांच कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन। यहां से ये निकल के आ जाए, आइसोपेंटेन। ठीक है, अब पेंटेन में ही एक और चीज आती है, नियो पेंटेन। ठीक है, नियो पेंटेन क्या है, तो क्या होता है, इस तरीके से लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, CH3 CH3 इस वाले कार्बन से जुड़ा होना चाहिए इस तरीके से, जैसे मान लो ये है लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नियो पेंटेन। पेंटेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पांच कार्बन। यदि यहाँ पे आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाओगे CH3 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 और CH2 CH3, अब इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6, छह कार्बन है, तब हम इसको बोलेंगे नियो हेक्सेन, क्योंकि ये जो है वो क्या है, एज कॉमन है। तो नियो पेंटाइल, नियो पेंटेन आपको समझ में आ गए, समझ में आ गए। अब देखो, अब हम IUPAC की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, IUPAC नोमेनक्लेचर की तरफ। तो ये हमारा पहला 10.2 का स्लाइड था। अब इसमें हम कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों देखेंगे। तो देखो यहां पर इसको हम पढ़ चुके हैं, हाँ के ना, ये क्या है, ये क्या है, CH3 CH2 CH2 BR। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला था, एन प्रोपाइल। तो ये क्या होगा, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका कॉमन नेम। और IUPAC नेम क्या होता है, IUPAC नेम कैसे दिया जाता है उसको एक बार समझ लीजिएगा ध्यान से अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपको IUPAC नेम बता देता हूँ किस तरीके से। तो पहला काम IUPAC नेम के लिए, चेन चूज करना होता है हमें। तो चेन कैसे चूज करते हैं, पहला स्टेप, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए उस चेन में, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। दूसरा क्या होना चाहिए, यदि मान लो ऐसी दो चेन आपको मिलेगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तब दूसरा स्टेप देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ
सब्सटिट्यूएंट्स, समझ में आया? तो ये दो पॉइंट से लगवा लगाव हो जाएगा, बाकी ये और भी आगे रहता है। इसके बाद यदि नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट सेम है तो हम लोवेस्ट रूल देखते हैं, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। और हम क्या करते हैं, चेन चूज कर लेते हैं। जैसे मान लो एक कार्बन लिया, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये है, तो आप बताओ इसमें कौन सी चेन आप चूज करोगे। एक तो ये वाली चेन है जिसमें चार कार्बन आ रहे हैं, और एक ये वाली चेन है तो जिसमें पांच कार्बन आ रहे हैं, तो ये वाली चेन हम चूज करेंगे, समझ में आया? ठीक है, एक पेन कलर कलर चेंज कर दूं मैं, एक मिनट, राइट, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने लिया CH3, CH2, CH2, CH3, और यहां पे भी ले लो CH3। तो इसमें कार्बन चेन कौन सी होगी, एक दो तीन चार, ये वाली, क्योंकि इसमें चार मैक्सिमम नंबर और इसमें भी सेम है, तो कोई सी भी चूज कर लो। तो हमने इसको चूज कर लिया। अब जो नंबरिंग करते हैं उसमें नंबरिंग कैसे करते हैं, तो देखो यदि हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो एक दो तीन चार आएगा, है ना? तो नंबरिंग करने का रूल ये है कि जो सब्सिट्यूंट होता है उसको क्या मिलना चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए। सब्सिट्यूंट को क्या मिलना चाहिए, कम नंबर। यदि हम यहाँ से करेंगे तो एक दो तीन, सब्सिट्यूंट को क्या कौन सा नंबर मिल रहा है, तीसरा, तो जो कि गलत है ना, क्योंकि इससे कम भी उपलब्ध है। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब इसको कौन सा मिल रहा है, सेकंड, है ना? पहले थ्री मिल रहा था, अब सेकंड मिल रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करते समय आप ध्यान रखिएगा, सब्स्टिट्यूएंट को क्या होना चाहिए, लोवेस्ट नंबर प्राप्त होना चाहिए। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि नंबरिंग करते समय जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको कम नंबर प्राप्त होना चाहिए, समझ में आया? यदि ऐसे दो ऑप्शन है, एक में ज्यादा है एक में कम है, तो हमें कम वाला चूज करना पड़ेगा, वही हमारा सही आंसर होगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। ये IUPAC का नियम है, ठीक है? अब हम करते हैं इनको एग्जांपल्स को देखने। अब देखना आपको ये कितना आसान लगने लगेगा, बहुत आसान लगेगा। जैसे मान लो ये है CH3, CH3, ठीक है, यहाँ पर क्या Cl जुड़ा हुआ है, तो वैसे तो आपको ये दिख रहा है ये क्या आइसोप्रोपाइल है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना, CH3, CH, CH3, तो इसको हम क्या बोलते थे, आइसोप्रोपाइल, यहाँ पर Cl लगाए, तो इसको कॉमन नेम होगा इसका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब यदि हम बात करें IUPAC नेम की, तो नंबरिंग करो, ये चेन होगी मेन चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने, तीन, है ना? तो नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो सेकंड नंबर पर क्या आ रहा है, Cl, तो इसको हम बोलेंगे 2-क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि क्लोरो प्रोपेन और तीन कार्बन, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्रोपेन, समझ में आया? जब नंबरिंग करते समय इनमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, IUPAC नेम जब लिखते हैं तब कोई भी गैप इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस एग्जाम्पल को देखो, है ना, तो वैसे ये दिखाई दे रहा है इतना, ये क्या है, आइसोब्यूटाइल है कि नहीं, और उसमें Cl लगाए, तो इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। यदि IUPAC की बात करें तो देखो, मेन चेन तो यही होगी, ऑफ कोर्स तीन कार्बन आएंगे, और या फिर इसको भी ले लो तो तीन कार्बन आएंगे, बट एक चीज ध्यान रखो, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट आना चाहिए, क्योंकि यदि कार्बन की चेन सेम हो रही है तो उसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। इसको समझना चाहते हैं और डिटेल में, तो मैं समझा देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो यहां पर ये क्या लिखा है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, Cl, राइट? अब आप क्या कर रहे हो, नंबर चेन ढूंढ रहे हो। यदि आपने इसको लिया कार्बन चेन, इस वाले को मैक्सिमम नंबर, तब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कितने आएंगे, दो आएंगे, लेकिन लोएस्ट लोकेंट रूल वहां पर गड़बड़ करेगा। यदि हम इसको लेते हैं, सॉरी ये सही होगा, यदि हम इसको लेते हैं तो कितने कार्बन की चेन आ रही है, तीन की, तो ये भी तीन की, ये भी तीन की। अब पॉइंट ये आता है कि हमें चूज कौन सी करना है, ये वाली चूज करना है या ये वाली, ये वन मान लो इसको, टू मान लो इसको, तो कौन सी कार्बन चेन लेंगे, तो हम सेकंड वाली को कार्बन चेन मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया था, यदि कार्बन की चेन जो है उसमें कार्बन में सेम नंबर ऑफ कार्बन आए चेन में, ठीक है, आपने कोई चेन चूज की उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन है, ऐसी दो चेन आ रही हैं, तब ये देखिएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किस में है। तो इन दोनों में, पहली और दूसरी में आप देख के बताइएगा, पहली में कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक ही तो है ये वाला, और दूसरी में कितने हैं, दो, एक CH3 एक Cl, तो कौन सी हो जाएगी, CH3 सेकंड वाली हमारी मेन चेन हो जाएगी, ठीक है? तो ये सेकंड वाली हमारी क्या होगी, मेन चेन। अब इसका नाम करो, तो ये कुछ इस तरीके से CC, और यहाँ पर Cl लगाए, और यहाँ पर CH3, ठीक है? तो इसका नामकरण कैसे करोगे,
आईयूपीएसई, तो यहाँ पर नंबर नहीं करोगे, 1 2 3, ठीक है। यदि इधर से करते तो लोएस्ट नंबर किस यहाँ पर कितना आता, 3 आता सीएल को, यहाँ पे 2 आता, बट पहली नंबर पर सीएल आ रहा है क्योंकि सीएल को क्या मिलना चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 से नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। अब इसका आईपीएससी नेम बताओ तो वो क्या होगा, 1 क्लोरो, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, 1 क्लोरो है और 2 मिथाइल है, तो सी और एम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन सब बाद में आता है, एम बाद में आता है तो एम को हम बाद में लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, सी। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, अब इसमें कितने नंबर की चेन है, 3 की, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, समझ में आया, ये आईपीएसी नेम हुआ। और आपको दिख रहा है ये आइसोब्यूटाइल, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, बहुत आसान है। अब हम चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स पे, यहाँ पे देखिएगा इनको, ये जो है बेंजीन के केस में क्या होता है, यदि इस टाइप का कोई भी आता है तो इसको हम ब्रोमो बेंजीन बोलते हैं, आईपीएससी और कॉमन नेम दोनों इसके सेम है और सेम हो सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो ये है एक बेंजीन है, यहाँ पे एक छोड़ा एक छोड़ा एक छोड़ा और बीआर 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 3 बीआर लगा दिए, तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है सेम, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, चूंकि ये बेंजीन है इसलिए यहाँ पे लास्ट में बेंजीन आ जाएगा, ब्रोमो लगाए तो उससे पहले ब्रोमो, और कितने ब्रोमो हैं इसमें, टोटल 3 ब्रोमो हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ट्राई ब्रोमो। और यहाँ पे कुछ नहीं था, आप मोनो ब्रोमो लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ही ब्रोमो है, ठीक है। अब इसका आईपीएससी की बात करें तो नंबर यहाँ से करोगे, यदि यहाँ से करोगे तो 1 और 2, है ना, क्योंकि आप जानते हो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम नंबर मिलना चाहिए, यदि ऐसे कर दिया तो सब्स्टिट्यूएंट को कम कहाँ मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और यहाँ से करोगे तो 1 मिलेगा, तो 1 2 3 इस तरीके से करते जाओ, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये आएगा 1 3 5, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अब बात करते हैं ये एम, एम का मतलब होता है मेटा, तो मैं आपको ऑर्थो मेटा पैरा 3 चीज बता रहा हूँ, और उनका कॉमन नेम और आईपीएससी नेम आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो एक बार पेन का कलर अगेन चेंज कर दूँ मैं, बेंजीन बनाते हैं पहले, ये बेंजीन है, ठीक है, यहां पर मैंने लगा दिया बीआर को, और मैंने यहां पर लगा दिया बीआर को, ठीक है। तो इसका आप सोचो कॉमन नेम क्या होगा, चूंकि इसमें 2 बीआर हैं, है ना, तो ये डाई ब्रोमो बेंजीन तो हो गया। अब इसमें भी 2 बीआर ले लेते हैं, एक और, बट एक यहां पर नहीं लगाते हैं, हम यहां पर लगा देते हैं बीआर। अब एक चीज देखो, एक और पोजीशन बच सकती है जहां पर हम लगा सकते हैं, है ना, यहां पे मैंने सामने सामने लगा दिया बीआर और ये बीआर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम होंगे, यदि आप यहां पर इस तरीके से बेंजीन बनाते हैं और यहां पर बीआर लगाते हैं और यहां पर बीआर लगाते हैं, तो कोई अंतर नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर से 1 2 3 आएगा और इधर से भी 1 2 3 आएगा, ठीक है। अब इनके हम कुछ नाम देते हैं और इनको बोलते हैं कि इनका क्या होने वाला है, आईपीएससी नेम और कॉमन नेम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नंबरिंग हम कहां से करेंगे, यहां से नंबरिंग करो 1 2, या यहां से, तो इसका भी 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसको भी मैं आपको बना के दे देता हूं, बी आर और या फिर बी आर इधर लगा दो, तो आप नंबरिंग करो यहां से 1 और 2, तो कौन सा नंबर मिल रहा है दोनों को, एक को 1 मिल रहा है दूसरे को 2, यहां से करो तो 1 और 2, तो ये दोनों कंपाउंड सेम ही है, तो इन इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, यदि ये दोनों पास पास हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो, क्या बोलते हैं, ऑर्थो, ये दोनों थोड़ा सा एक कार्बन छूटा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा, याद होना चाहिए आपको, और ये सामने सामने तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा, तो ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो को बोलते हैं लगातार 2 बीआर, मेटा यानी कि एक गैप हो, और पैरा यानी कि 2 गैप हो, यानी कि सामने सामने हो, तो ये दोनों मेटा हैं, ये दोनों ऑर्थो हैं, चूंकि ये 2 स्ट्रक्चर नहीं है, ये सेम ही है, मैंने बस आपको देखने में अलग किया है ना, बाकी ये दोनों सेम स्ट्रक्चर हैं, तो इसको हम ऑर्थो बोलेंगे, इसको हम मेटा बोलेंगे और इसको हम पैरा बोलेंगे। अब इनका आईपीएससी नेम देखिए, यहां से ये क्या है, मेटा की बात करें तो ये एम, मेटा को एम से डिनोट करते हैं, ऑर्थो को ओ से, मेटा को एम से और पैरा को पी से, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, एम डाइब्रोमो बेंजीन, चूंकि ये बेंजीन है और यहाँ पर 2 ब्रोमो आ रहे हैं, इसलिए डाइब्रोमो और बेंजीन, ठीक है। तो ये क्या हुआ इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या होगा, ऑर्थो डायब्रोमो बेंजीन, डायब्रोमो है ना तीनों के तीनों, ये भी डायब्रोमो, ये भी डायब्रोमो, ये भी डायब्रोमो बेंजीन, है ना, तो ये तो सेम रहने वाला है। यदि इसकी बात करूं तो यहाँ पे ओ लगा दो, ऑर्थो डायब्रोमो बेंजीन, यदि इसकी बात करूं इसके कॉमन नेम की, तो यहाँ पे पी
पी लगा दो, तो पी डाइब्रोमो बेंजीन। अब हम बात करते हैं आईपीएसी नेम की, तो इस वाले का आईपीएसी नेम क्या होगा? एक बार कलर चेंज कर दो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नंबरिंग कर दी 1 2, तो ये आएगा डायब्रोमो। देखते हैं कहां कहां पर है, तो एक तो 1 पे ब्रोमो और 2 पे ब्रोमो, तो इसको हम बोलेंगे 1 2 डायब्रोमो बेंजीन। इसकी बात करें तो यहां पर 1 आएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 3 आएगा, यहां पर उल्टा भी कर सकते हो, यहां पर 1 करो, यहां पर 2 करो, यहां पर 3 करो, लेकिन जो ब्रोमीन है आप देख रहे हो वो कहां पे आ रही है, एक तो 1 पर आ रही है, 3 पे आ रही है, 1 और 3 के बीच में ही आ रही है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1, 3, डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, सेम रहेगा। अब इसकी बात करना, इसके नंबरिंग तो 1, 2, 3, 4, तो ये क्या आएगा 1, 4, क्योंकि 1 पर ब्रोमीन है और 4 पर ब्रोमीन है, तो 1, 4 ये क्या हो जाएगा, डायब्रोमो बेंजीन। समझ में आ गया, ठीक है, बहुत आसान था। अब हम चलते हैं थोड़ा जेमिनल की तरफ, ठीक है, उससे पहले कुछ और कंपाउंड दिए हैं, उनका आप आईपीएसी नेम देख सकते हो, जैसे ये है तो 1 2 3, इस तरीके से इसकी नंबरिंग हो जाएगी। क्यों, देखो ये मेन चेन हुई, ठीक है, मेन चेन हुई, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3, तो इसमें प्रोपेन आने वाला है क्योंकि अल्केन है, तो यहाँ पर लास्ट में प्रोपेन लिख दिया। अब ब्रोमीन किस पे आ रहा है, 2 पे, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन है ना, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसकी बात करोगे तो मेन चेन कौन सी देखोगे आप, इसको देखोगे तो 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, इसको देखोगे तो 2 आएंगे, और इसको देखोगे तो 1 2 3 आएंगे, तो इसको देखेंगे हम, ठीक है, तो ये हमारी मेन चेन हुई। अब नंबरिंग करो, यहाँ से 1 2 नंबरिंग कर दी। अब यहाँ पर एक तो क्लोरो है, दूसरा मिथाइल है, अब क्लोरो और मिथाइल में सबसे पहले कौन आएगा, क्लोरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो ये सबसे पहले आता है सी, सी पहले आता है या एम, सी पहले आता है, तो यहाँ पर पहले क्लोरो आएगा फिर मिथाइल आएगा। अब कितनी क्लोरो है और क्लोरो कहाँ पर है, तो 1 क्लोरो और मिथाइल कितनी है, 2, तो डाइमिथाइल आ जाएगा, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर है, 2 पर ही है, ये 1, 2 है ना, तो 2 2 पर ही है दोनों ही, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, चूंकि इस चेन में टोटल 3 कार्बन है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। समझ में आया, बहुत आसान था। अब हम यहाँ से जा रहे हैं बिसनल हैलाइड्स और जेमिनल हैलाइड्स क्या होते हैं, तो इनको देखेंगे। उससे पहले देखो हेलो अल्किन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या लिखा है, द हेलो अल्किन्स हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम्स आर नेम्ड एज अल्कालाइडिन एंड अल्काइलिन डाइहैलाइड्स। समझ में आया, तो क्या होता है, अल्कालाइडिन एंड अल्काइलिन डाइहैलाइड्स होते हैं, ठीक है, और इनको डिवाइड किया जाता है अगेन, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डाई हेलो अल्किन्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डाई हेलो अल्किन्स। ये कलर आपको सही नहीं दिखाई दे रहा होगा इसलिए मैं रेड कलर ले लेता हूं, ठीक है, डाई हेलो अल्किन्स। तो ये 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स और दूसरे होते हैं बिसनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, ये स्पेलिंग आपको बहुत सिंपल है, कोई वो करने की जरूरत, ये BICINAL, ठीक है। अब ये होते क्या हैं, तो जेमिनल डाइहैलाइड की बात करूं तो उसकी डेफिनेशन होती है हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हेलोजन एटम है वो क्या होना चाहिए, सेम कार्बन पर, और दोनों ही सेम होना चाहिए, सेम कार्बन पर और सेम हेलोजन, ठीक है, और बिसनल डाइहैलाइड के केस में क्या होगा, ये एडजेसेंट कार्बन पर होना चाहिए, ठीक है, यहां पे लिख लीजिएगा एडजेसेंट कार्बन, अगेन सेम हेलोजन होना चाहिए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स को क्या बोलते हैं हम, अल्काइलिडीन हैलाइड्स, और इसको क्या बोलते हैं हम, बिसनल डाइहैलाइड को अल्काइलिन डाइहैलाइड्स, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जेमिनल डाइहैलाइड्स आर नेम्ड एज अल्काइलिडीन हैलाइड्स एंड बिसनल डाइहैलाइड्स आर नेम्ड एज अल्काइलिन डाइहैलाइड्स, तो ये आपको पता होना चाहिए।
अभी ये आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, आपको लग रहा है कि मैंने क्या एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई है, हमने पहले डेफिनेशन पढ़ ली, थोड़ा कन्फ्यूजन रहा होगा। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैक्सिमम एग्जाम्पल से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो आप कहीं ना कहीं से रट लोगे और एग्जाम में कराओगे। तो अब आपको देखना है कि कौन सा जेमिनल डायहलाइड है और कौन सा पिसनल डायहलाइड है, वो आपको फटाफट से बताना है। तो एक बार मैं इनके IPS के नेम की बात कर देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे। जैसे क्या CH3 CHCl2 है, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, CH3 CH2 Cl और Cl, ये जो Cl है ये हेलोजन है, ये दोनों हेलोजन सेम है, तो ये डाई हेलोअल्केन्स हैं, और इनमें हम जेमिनल डायहैलाइड्स की और बिसनल डायहैलाइड की बात कर सकते हैं। तो जेमिनल को हम शॉर्ट फॉर्म में जेम बोलते हैं, बिसनल को हम बिस बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब से मैं बोल रहा हूँ कि इनमें से कौन सा जेम डायहैलाइड है और कौन सा बिस डायहैलाइड है, ठीक है। ये यदि आपको कहीं दिखाई दिया जाता है तो इसको आप समझिएगा कि ये जेम डायहैलाइड है और ये क्या है, बिस डायहैलाइड, ठीक है। अब देखो ये Cl है, यहाँ पे भी Cl है, सेम कार्बन पे, तो ये क्या होगा, बिसनल होगा या जेमिनल होगा, तो अगेन ये जेम डायहैलाइड होगा, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम होता है कॉमन नेम, वो क्या था, इथाइलाइडिन क्लोराइड भी इसको बोलते हैं, जेम डायहैलाइड को क्या बोलते हैं, इथाइलाइडिन क्लोराइड, ठीक है। अब इसके IPS की नाम बात की जाए तो IPS यहाँ से शुरू होगा, 1 2, यही मेन चेन है, दो ही चेन है, तो Cl कितने, 2, तो 1, 1 है ना, क्योंकि जो Cl है 2 वो 1 पर ही है, तो पहला कार्बन क्या है, 1, दूसरा कार्बन भी 1 है उसका, दूसरी कार्बन है वो पहले पर ही है, और पहली कार्बन भी, सॉरी क्लोरीन की बात कर रहे हैं ना, कार्बन की नहीं, सॉरी सॉरी है, जो क्लोरीन है दोनों क्लोरीन कार्बन पर है, और वो कार्बन का नंबर क्या है, 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, 1 डाई क्लोरो इथेन, ये इथेन है, दो कार्बन है इसलिए हम इसको इथेन बोलेंगे, ठीक है, डाई क्लोरो, तो ये क्या हुआ इसका IPS नेम। जैसे इसकी बात करना तो इसमें 1, 2, ठीक है, ये चेन है, तो यहाँ पर जो एक Cl है वो पहले कार्बन पर, दूसरे Cl दूसरे कार्बन पर, तो इसका नाम क्या होगा, 1, 2 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो क्यों, क्योंकि दो क्लोरीन है और इथेन, तो डाइक्लोरो इथेन, ये इनके IPS नेम हुए। और इसके कॉमन नेम की बात करें तो दोनों Cl हैं जो कि हेलोजन तो सेम है और जी एडियसेंट एटम पर हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिसनल डायहैलाइड, और उसको शॉर्ट फॉर्म में किससे दर्शाते हैं, बिस से, तो ये बिस डायहैलाइड, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इथाइलाइन डाइक्लोराइड, सिंपल। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देते जा रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा जेम डायहैलाइड है वो कौन सा बिस डायहैलाइड है, फटाफट से आप बताते जाइएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा, उस बात की मैं आपको गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर मैं Br लगा देता हूँ और यहाँ पर हम Cl लगा देता हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 यहाँ पे मैं Br ले देता हूँ और यहाँ पे मैं Cl लगा देता हूँ। अब एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पे गलती क्या कर दी, कार्बन के बॉन्ड कितने कर दिए, 5, 1, 2, 3, 4, 5, दो हाइड्रोजन के साथ और तीन ये, तो कार्बन को बहुत गुस्सा आई, कार्बन ये सहन नहीं कर पाएगा, बोलेगा तुमने मेरे साथ बहुत पाप कर दिया, मेरे 4 बॉन्ड करो, मेरे 5 बॉन्ड मत करो, यदि 5 बॉन्ड कर दिए तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए आपको क्या करना होगा, इसको यहाँ से गायब कर देना होगा, ठीक है। अब इसके कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, टोटल 4, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा जेम डायहैलाइड है और कौन सा बिस, तो पहले इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, तो आप फटाफट से यदि आपको डेफिनेशन नहीं सही नहीं मालूम होगी तो आप इसको बोल दोगे कि ये बिस डायहैलाइड है, और इसको बोल दोगे आप ये जेम डायहैलाइड है, क्यों, क्योंकि दोनों हेलोजन एटम क्या है, एक कार्बन पर है, और इसमें दोनों हेलोजन एटम क्या है, अलग अलग कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पर है, तो ध्यान रहे ये ना तो बिस है ना जेम, क्यों, क्योंकि उसकी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, ये दोनों हेलोजन एटम जो हैं वो क्या होना चाहिए, सेम, क्या ये सेम है, नहीं, तो क्या ये बिस जेम हो सकते हैं, नहीं, ठीक है, तो ये एग्जांपल गलत हुआ। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं लेता हूँ CH3 CH2 CH2, यहाँ पर अगेन Cl, तो इसके बॉन्ड कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर एक H को गायब करो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने Cl लिया, और एक एग्जांपल और लो, CH3 CH CH3, तो यहाँ पे मैंने Cl लिया और यहाँ पे मैंने Cl लिया, तो इसको क्या हम बोल सकते हैं, डाई हेलोअल्केन, तो ऑफकोर्स बोल सकते हैं डाई हेलोअल्केन है क्योंकि दोनों ही हेलोजन है। क्या इसमें हम जेम और बिस दे सकते हैं, ऑफकोर्स दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों ही हेलोजन सेम है, तो ये क्या होगा, बिस डायहैलाइड, क्योंकि दोनों ही एडजेसेंट पे हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, जेम डायहैलाइड, क्योंकि दोनों ही सेम कार्बन पे, एक ही कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा, जेम डायहैलाइड, समझ में आ गया।
एक और एग्जांपल जो आपका कंफ्यूजन दूर करेगा, CH2, CH2, CH2। क्या ये जैम और बेस में से कुछ हो सकता है? ऑफ कोर्स ये कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं है, इसमें बीच में कार्बन छूटा हुआ है, इन दोनों के बीच में बहुत गैप है, तो ये ना तो जैम होगा। जैम होता तो उसके लिए दोनों Cl एक कार्बन पर होना चाहिए, तो जैम भी नहीं हुआ। क्या ये बेस होगा? बेस के लिए जरूरी है दोनों ही क्या हों, सेम कार्बन पर हों, तो ये ना तो बेस डायहैलाइड होगा ना जैम डायहैलाइड होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। अब मैं आपको एक टेबल जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें टोटल 1, 2, 3 मतलब टोटल 12 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। अब मैं इसको आपको डिटेल में बता देता हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं, इनका आईपीएससी नेम क्या होगा और इनका कॉमन नेम क्या होगा। क्या कॉमन नेम को समझना है? समझना तो है, तो अब ये कॉमन नेम जो है उसको याद करना है। ये कॉमन नेम यदि आपको याद नहीं हुए ना तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी जगह ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं एक एक कर के इन स्ट्रक्चर को लिख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि इनका कॉमन नेम क्या है और आईपीएससी नेम क्या है, ठीक है, और फिर मैं इसको समराइज करूंगा। चलिए देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट था वो क्या था, इस तरीके से लिखा हुआ है CH3 CH2 CH, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा है Cl एंड CH3, है ना। तो इसका आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये कैसे लिखा है ना। एक्सपेंड कीजिए इसको, CH3 CH2 CH, और ये Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर CH3, है ना। अब आप देख रहे हो ये क्या है, ब्यूटेन है कि नहीं, ये ब्यूटेन होता है ना, CH3 CH2 CH और CH3, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है Cl, तो इसको हम क्या बोलते थे, आइसोब्यूटेन नहीं बोलते थे, इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते थे। क्यों? सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते थे, ना कि ब्यूटेन। यदि यहाँ पे आप कुछ और लगा देते हो तो उसके बाद वो आ जाएगा, जैसे हाँ इसकी बात करूँ तो ये क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये ब्यूटेन है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ लगाना है तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो कार्बन है उसकी डिग्री कितनी है, 2, है ना। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हुआ, तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हुआ इसका कॉमन नेम। क्या हुआ, कॉमन नेम। यदि हम इसके आईपीएससी की नेम की बात करें तो सिंपली नंबरिंग करना है, मेन चेन तो एक ही है, कार्बन चेन की है। अब नंबरिंग हम इधर से करेंगे या इधर से करेंगे? यदि नंबरिंग हम इधर से करते हैं तो 1, 2, 3, क्लोरीन को कौन सा नंबर मिलेगा, 3, और यदि इधर से करते हैं तो 1, 2, 3, 4, क्लोरीन को कौन सा नंबर मिलेगा, 2। 1, 2 और 3 में कौन सा कम है, 2 वाला कम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से हम करेंगे 1, 2, 3, 4। अब आईपीएससी नेम बता सकते हो आप, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 क्लोरो, है ना। अब ये क्या है, ब्यूटेन, है ना, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये हुआ आपका पहला स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ, देखते रहिएगा, बड़े मजेदार हैं ये सब, आपको आप अच्छे से समझ रहे होंगे ना, तो टेबल को समझने में और याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। अब कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, CH3 C CH2 एंड Br, आपको इसका आईपीएससी नेम और कॉमन नेम बताना। तो इसका पहले सिंपल तरीका, स्ट्रक्चर बनाओ, ये C है, इससे इधर CH2 जुड़ा हुआ है और उससे Br जुड़ा हुआ है, और इधर की बात करें तो इधर CH3 जुड़ा हुआ है, 3 CH3 जुड़े हुए हैं, तो 3 CH3 आप लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इतने इतने की बात करो तो ये क्या है, इसको आप देख के बता सकते हो, ये 1, 2, 3, 4 पेंटेन है, और ये जो लास्ट में आ रहा है ना, एक बार पेन चेंज कर दूं मैं, मैंने बताया था ये जो ग्रुप है यदि वो लास्ट में आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नियो, क्या बोलते हैं, नियो। तो ये क्या हो जाएगा, नियो, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो नियो पेंटाइल, और इसमें ब्रोमीन आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, नियो, इसका कॉमन नेम क्या होगा, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। समझ में आ गया? अब कॉमन नेम की बात करें तो आप देख सकते हो नंबरिंग कहां से करना है, नंबरिंग यहां देखो, मेन चेन कौन कौन सी हो सकती है, 1, 2, 3 ये हो सकती है, यदि ये मेन चेन लोगे आप तो सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, 1 और 2, ठीक है। यदि आपने ये इसको सिलेक्ट किया मेन चेन की तरफ तो सब्स्टिट्यूएंट कितने होंगे, 1 और 2, यदि आपने इसको किया तो सब्स्टिट्यूएंट कितने आएंगे, 3, 1, 2, 3, तो मैक्सिमम कौन सा, ये वाला, तो मेन चेन को होगी ये वाली, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, CH3 CH2
एंड वी आर, तो हमारी मेन चेन क्या थी, ये वाली, ठीक है। अब नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे से करेंगे तो वन वन पे कुछ नहीं आ रहा है ना, तो लोवेस्ट क्या होगा, वन ही होगा जो बी आर आ रहा है, तो वन टू एंड थ्री। अब देखो इसका नाम क्या होगा, तो एक तो ब्रोमो आएगा, यहाँ पे लिख लो, एक तो ब्रोमो आएगा, दूसरा मिथाइल आएगा, ठीक है। ब्रोमो और मिथाइल में, ब्रोमो और मिथाइल में अल्फाबेटिकल कौन आता है, बी पहले आता है या एम, बी आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, बी, है ना। तो इसको हम करेंगे बन ब्रोमो, ये थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, रेड कलर लिया जाए, आप जानते हो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो दिखाई देता है ना दूर तक, इसीलिए सिग्नल में रेड कलर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ऐसा जनरल क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, सिग्नल पर रेड लाइट हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि रेड लाइट बहुत समय तक विजिबल होती है, जैसे कोई भी डेंजरस एरिया है वहाँ पे हम रेड कलर का यूज़ करते हैं, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो वो बहुत दूर तक दिखाई देती है, बहुत दूर से दिखाई देती है, समझ में आया। अब हम इसकी बात करते हैं, इसका IPS नेम देख रहे हैं, तो ये वन टू और थ्री, तो वन पर ब्रोमो है, उसके बाद क्या है, टू पर मिथाइल है, और दूसरी मिथाइल भी टू पर है, तो वन यहाँ पर ये आएगा टू कॉमा टू, ये कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, वन ब्रोमो टू कॉमा टू मिथाइल डाई मिथाइल, मिथाइल नहीं आएगा, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों आएगा, क्योंकि दो मिथाइल है, और डाई मिथाइल के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रोपेन, ये प्रोपेन है ना कार्बन की चेन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपेन। ये IPSC नेम में यदि आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं IPSC नेम के ऊपर एक और वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, पूरा कंप्लीट है ना, तो वो 3-4 घंटे कम से कम लगेंगे उसमें, तो मैं लास्ट में करूंगा, बट आप मुझे अभी बता दीजिए, जिससे मुझे लगे कि आपको प्रॉब्लम इसमें कहाँ आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अब थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो बहुत सिंपल है, CH3, उसको आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा, और BR, तो ये जो है वो क्या है, ब्यूटेल है, ब्यूटाइल है, ब्यूटेन है ना, और कौन सा ब्यूटेल है ये, इस कार्बन की डिग्री क्या है, इस कार्बन की 3 डिग्री है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्ट ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, चूंकि यहाँ पे ब्रोमीन है, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ये हुआ इसका कॉमन नेम। यदि IPSC नेम की बात करना तो सिंपल है, वन कहाँ से नंबरिंग करोगे, यदि इसको मानते हो तो दो ही कार्बन आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन मतलब मैक्सिमम होना चाहिए कार्बन, है ना, तो वो चेन चूज करेंगे हम, तो कौन सी चेन लें, तो इसको ले लेते हैं हम, इसमें कितने कार्बन आ गए, टोटल 3। अब नंबरिंग कर दो, 1 2 3, ठीक है, तो 1 पर BR आ रहा है और 2 पर मिथाइल आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, समझ में, बहुत सिंपल है। अब हम फोर्थ वाले को देखते हैं, जो कि बहुत आसान है, ये टेबल समझना बहुत जरूरी है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखिएगा। ये स्ट्रक्चर दिया CH2CHCl, तो आप बताओ इसका IPSC नेम क्या होगा, ये क्या है, विनाइल है, आपको पता है जब डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी से कोई भी Cl जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड, क्या हो जाएगा इसका, ये IPSC नेम। यदि हम बात सॉरी IPSC नहीं कॉमन नेम, यदि हम इसके IPSC नेम की बात करें तो वो क्या होगा, क्लोरोइथेन, ये क्या है, इथेन है, और यहाँ पे Cl लगा हुआ है ना, इथीन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोइथीन, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 BR, तो ये क्या है, आपको ये पता होगा, मैंने अच्छे से बता दिया है, बार बार नहीं बता रहा, मैंने पहले लेक्चर में बताया था एलाइलिक और विनाइलिक, तो ये एलाइल है, तो इसको हम बोलते हैं एलाइल ब्रोमाइड, ठीक है। IPSC नेम क्या हो जाएगा इसका, नंबरिंग करो यहाँ से, 1 2 3, ठीक है। अब देखो यदि हम इस तरीके से नंबरिंग करेंगे, चूंकि डबल बॉन्ड को जो है सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो इसलिए हम इसमें नंबरिंग कहाँ करेंगे, पलट देंगे, हम नंबरिंग दूसरी साइड से करेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के पहले प्रायोरिटी किसको होती है, डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को नंबरिंग क्या होनी चाहिए, कम मिलना चाहिए, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा,
ठीक है। तो इसका देखो ब्रोमीन कहाँ पे आ रहा है, थ्री पे आ रहा है, तो क्या होगा, थ्री ब्रोमो पेंटीन, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये कुछ टेबल्स के थे जिनको मैंने आपको डिटेल में बता दिया, अब यहाँ पे समझाना बड़ा आसान रहेगा। ये है पहला वाला, तो यहाँ पर सी एस थ्री सी एस सी एच सी एल सी एस थ्री आ रहा, तो इसका कॉमन नेम क्या था, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और आईपीएस नेम क्या था, टू क्लोरो ब्यूटेन। ये याद करने की जरूरत नहीं है आईपीएस नेम, क्योंकि ये निकाले जा सकते हैं, बट कॉमन नेम आपको याद करने की जरूरत है कि कॉमन नेम क्या होता है। जैसे इसकी बात करें तो इसका कॉमन नेम आया था नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, और आईपीएस नेम आप निकाल सकते हैं। इसकी बात करें तो इसका आया था टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि ये ब्यूटाइल है वो क्या था, टर्सरी था, इसलिए यहाँ पर टर्ट आया, और बाकी इसका आप निकाल सकते हैं। यदि इसकी बात करना सी एच टू सी एल सी एच सी एल, तो इसमें बिनाइल क्लोराइड, क्योंकि ये बिनाइल ग्रुप है ना, और सी एल उससे ऐड है, तो इसलिए बिनाइल क्लोराइड क्लोराइड बोलेंगे, और इसको क्लोरो इथेन आईपीएसी नेम। इसकी बात करना, चूंकि ये जो है वो क्या है, एलाइल है ना, तो इसलिए इसको एलाइल ब्रोमाइड बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा, थ्री ब्रोमो प्रोपीन। सिंपल था, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम इन स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो इनका सॉरी तो इनका हम क्या बताना है, कॉमन नेम कैसे बताएंगे। तो देखो ये सी एस थ्री है, ये इसके ऑर्थो पोजिशन पे है, तो इसका जो आई यू पी एस सी नेम होगा वो नंबरिंग के हिसाब से होगा, वन टू है ना, तो ये क्या होगा, वन क्लोरो टू मिथाइल बेंजीन, या फिर टू क्लोरो टोलिन बोल सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको हम टोलिन भी बोलते हैं, टोलिन, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये क्या होगा, ऑर्थो क्लोरो टोलिन, ये आपको आईपीएस नाम पता होना चाहिए। और ये आपको पता है ये क्या है, बेंजाइलिक क्लोराइड होता था ऐसा है ना, तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड, और इसका आईपीएस नाम क्या होगा, क्लोरोफिनाइल मीथेन। फिनाइल क्यों आया, क्योंकि इसके लिए जो प्रिफिक्स यूज करते हैं हम, वो फिनाइल यूज करते हैं, और ये क्या है, मीथेन। ठीक है, अब देखो ये बहुत सिंपल सिंपल है, ये आपको याद करने हैं सारे के सारे। ये क्या है, सी एस टू सी एल टू, तो एक ही कार्बन है उससे दो सी एल लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइलिन क्लोराइड। आईपीएसी नेम क्या होता है इसका, डाइक्लोरोमीथेन। कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइलिन क्लोराइड, और आईपीएसी नेम क्या होगा, डाइक्लोरो। डाइक्लोरो क्योंकि क्यों आया, क्योंकि दो क्लोरीन है, इसलिए डाइक्लोरोमीथेन। और मीथेन क्यों आया, क्योंकि एक कार्बन है। यदि इसकी बात करूं तो इसका होगा क्लोरोफॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी एस सी एल थ्री, आपको पता है क्लोरोफॉर्म की क्या खासियत है, यदि हम इसको किसी इंसान को सुंघा दें और उसमें गलती से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए, तो इंसान मर जाता है ना, बोलते हैं ना क्लोरोफॉर्म से उसने उसको बेहोश कर दिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए सी एस सी एल थ्री क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, बहुत आसान है। यदि सी एल की थ्री सी एल की जगह हमने बी एल लगा दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोमोफॉर्म, और सी एल लगा दिया तो क्लोरोफॉर्म। अब चूंकि एक एक कार्बन है, तो इसका आईपीएससी नेम में मीथेन आने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्राई क्लोरोमीथेन, और यहाँ पे क्या होगा, ट्राई ब्रोमो मीथेन, बहुत सिंपल है। अब हम सी सी एल फोर की बात करते हैं, सी सी एल फोर, ये है सी सी एल फोर, तो सिंपल है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका जो क्या है कॉमन नेम कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और आईपीएसी नेम क्या होगा, टेट्रा क्लोरो मीथेन। आप एक चीज देख रहे हो, कॉमन नेम में लास्ट में आ रहा है क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड, लेकिन आईपीएसी नेम में यहां पर पहले आता है क्लोरो ब्रोमो और जो भी है क्लोरो आयोडो। ठीक है, एक लास्ट और है जिसको भी देख लीजिएगा, ये रिंग है, सॉरी ये चेन है तीन कार्बन की, तो यहां पे क्या आएगा, प्रोपेन, और फ्लोरिन ऐड है वन कार्बन पे, तो वन फ्लोरो प्रोपेन। ये हुआ इसका आईपीएसी नेम। अब कॉमन नेम की बात करें तो देखो इस तरीके से सी एस टू सी एस टू सॉरी सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू, यहाँ पे एफ है, तो ये क्या है, तीन कार्बन है, एक दो तीन, और एफ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल, ये क्या है, एन प्रोपाइल, और लास्ट में एफ, तो ये एन प्रोपाइल फ्लोराइड। ठीक है, तो ये टेबल को मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया, बाय द वे ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, मैं बस आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, पांच एमसीक्यू जो कि 10.1 और 10.2 से हैं, वो एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, तो जिससे मुझे ये पता चलेगा कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, वो मुझे कैसा पता चलेगा, तो देखो होगा क्या, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, मैं पांच क्वेश्चन इसमें टोटल दे रहा हूँ इस वीडियो में, इन पांच क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करने हैं, आपको बताना है किस तरीके से कमेंट करोगे। जैसे मान लो पहले क्वेश्चन का आंसर है सी या डी या ए, तो आपको लिखना है 1A,
और यदि दूसरे क्वेश्चन का आंसर है बी तो टू बी, तीसरे का बी है तो थ्री बी, चौथे का बी है तो फोर बी, या फिर फोर सी या फिर फोर डी। इस तरीके से आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन दिस स्ट्रक्चर हाउ मेनी कार्बन एटम आर सेकेंडरी, आपको बताना है एक स्ट्रक्चर दिया है कि कार्बन एटम कितने सेकेंडरी हैं। ऑप्शन दिए 1 2 3 4। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोकार्बन, आपको बताना है इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है, बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, जो कि ऑप्शन दिए हैं आप बताइएगा, एलाइल ब्रोमाइड, बिनाइल ब्रोमाइड, बिनाइल क्लोराइड या अराइल ब्रोमाइड। चौथा है कि इस स्ट्रक्चर दिए हैं चार ऑप्शन में, आपको बताना है कि इनमें से जेमिनल डायहैलाइड कौन सा है। और पांचवा है कि इस स्ट्रक्चर का करेक्ट आईपीएसी नेम क्या है, ये चार आईपीएसी नेम यहाँ पे दिए हुए हैं। बहुत सिंपल है, मैंने बहुत ज्यादा टफ नहीं लिए, ये आपको बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उसके लिए आप रिंग बटन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।